हेलो दोस्तों, सवाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस शुरू कर चुके हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। आगे के टॉपिक्स करने हैं आज। उनमें से पहला टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको, वो सर्फेसेस जिन पर पोटेंशियल सेम रहे। मान लीजिए ये कोई सर्फेस है, ठीक है। तो इसके अगर ये पॉइंट ले ए, ये पॉइंट ले बी, ये पॉइंट ले सी, ये पॉइंट ले डी, या कोई भी ऐसा पॉइंट ले एक्स, ठीक है। तो इन सब पे पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी सेम। पोटेंशियल की वैल्यू सेम का मतलब है कि इस सरफेस पे पोटेंशियल है कांस्टेंट। जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो डेल्टा वी कितना हो गया? डेल्टा वी हो गया जीरो, यानी चेंज। डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वी। इसको ये भी क्या कह सकते हैं हम, और पोटेंशियल डिफरेंस। Therefore, on equipotential surfaces, potential difference is zero. ठीक है दोस्तों, तो एक और बात याद रखिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में जीरो होता है, तो अगर एक चार्ज को हमें, मान लीजिए ये दो पॉइंट्स है ना, ए बी, जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो ए से बी तक ले जाना है एक चार्ज को, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन भी होगा जीरो। जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इज जीरो। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिए। दोस्तों दूसरी बात पे आते हैं। मान लीजिए ये कोई पॉइंट चार्ज है, फॉर सिंप्लिसिटी ले लीजिए इसको प्लस क्यू। तो इसके लिए आप इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बना सकते हैं। पहले देखिए दोस्तों, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? वी इक्वल टू के क्यू बाय आर। आर इज द रेड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पॉइंट एंड द चार्ज, है कि नहीं। मान लीजिए पी पे निकालना है अगर आपको पोटेंशियल, तो पी का डिस्टेंस अगर पॉइंट चार्ज से आर हो, तो पोटेंशियल एट पी इज के क्यू बाय आर। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये पोटेंशियल जो है आर पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड द पॉइंट एट विच वी आर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल। तो जब तक आर सेम होगा, तब तक पोटेंशियल भी सेम रहेगा। आर सेम होगा तो हमें कैसा फिगर मिलेगा? एक स्फेयर मिलेगा। अब ये बोर्ड पे तो सर्कल लगता है, लेकिन होता ये स्फेयर है, तो ये याद रखिए, ठीक है। इस स्फेयर पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? के क्यू बाय आर, ठीक है। मान लीजिए एक और डिस्टेंस चूज करते हैं आर टू, तो यहां आर टू रेडियस के स्फेयर में कितना पोटेंशियल होगा? वी इक्वल टू के क्यू बाय आर टू, ऑब्वियसली। तो ऐसे ही करके हम कॉन्सेंट्रिक स्फेयर बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और जो कि पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हो जाएंगे। अब दोस्तों एक और बात ध्यान देने वाली है, अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और मैंने कोई पॉइंट लिया है यहां पे पी इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो इस पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मैग्नीट्यूड में और किस डायरेक्शन में होगा? आप ये सोच के बताइए दोस्तों। इस पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड्स। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया है, यानी कि आर कैप। अब रेडियली आउटवर्ड होने का मतलब क्या है? रेडियली आउटवर्ड होने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है कि नहीं। अगर ये कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के। तो हम ये कह सकते हैं कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बन रही है, जो हमारा स्फेयर है, उसके भी परपेंडिकुलर है। तो दोस्तों ये सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए नहीं, ये जनरली एप्लीकेबल होता है। हर इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं हो सकती। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए
ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड के, ये व्हाइट बोर्ड के अंदर को जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर नहीं है तो इस पॉइंट से मान लीजिए, ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो ए से बी तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए कितना वर्क डन होगा बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो होगा क्यू, क्यू तो वन है हमारा, प्लस वन कूलम है ना, तो क्यू ई डॉट डीएल का इंटीग्रल, और माइनस लगेगा क्योंकि एफ एक्सटर्नल जो होती है वो फोर्स इलेक्ट्रिक का नेगेटिव होती है कि नहीं, इतना वर्क डन होगा, ठीक है। डीएल किस डायरेक्शन में है, डीएल इस डायरेक्शन में है, ई किस डायरेक्शन में है, ई इस डायरेक्शन में है कि नहीं, थीटा कुछ है, अब थीटा 90 डिग्रीज तो नहीं है क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि ई जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, अब कॉस थीटा 90 नहीं है तो कॉस थीटा जो है वो जीरो नहीं है, अब देखो क्यू जीरो नहीं है, ई जीरो नहीं है, कॉस थीटा इसको ये लिख सकते हैं ना, माइनस क्यू ई कॉस थीटा इंटू डीएल, डॉट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है ना ये, क्योंकि तो कॉस थीटा जीरो नहीं है तो ये पूरा जो है वो नॉट जीरो हो गया, है कि नहीं, तो वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो। और हमने, आप रिवाइंड करके देखेंगे वीडियो, तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है तो वर्क डन जीरो होना चाहिए, अब हमारा वर्क डन आ रहा है नॉन जीरो, तो दैट मींस दीज टू पॉइंट्स कैन नॉट लाई ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता, तो ये पूरी सरफेस को हम एक इक्वी पोटेंशियल सर्फेस नहीं कह सकते, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा प्रूफ है ये, एक्चुअली आपको लिखना पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकली नहीं दिखाना है, आप बस ये लिख सकते हैं एग्जाम में कि सिंस, ऐसे लिख लीजिएगा कि इफ ई इज नॉट परपेंडिक्युलर टू अ सरफेस देयर इज अ नॉन जीरो कॉम्पोनेंट ऑफ ई अलोंग द सरफेस, दिस मीन्स दैट वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नॉन जीरो, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, देयरफॉर ई मस्ट बी परपेंडिक्युलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वाई इज ई परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस,
ये आंसर आप लिख दीजिएगा, न्यूमेरिकली मैथमेटिकली दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना सा लिख दोगे तो मिल जाएंगे नंबर। आइए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझिए, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे समझो, ये मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, सिंपलिसिटी के लिए पॉजिटिव अज्यूम किया है, सेम रिजल्ट नेगेटिव चार्ज से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है, आर कैप मान लो। यहाँ इस डायरेक्शन में दो पॉइंट्स रखे हैं, पी और क्यू। तो पी का डिस्टेंस है, इसको क्यू नहीं मानते, इसको एस मान लेते हैं, ठीक है। P का डिस्टेंस है चार्ज से R1 और S का डिस्टेंस है चार्ज से R2। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, रेडियली आउटवर्ड्स R कैप की डायरेक्शन में। तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? अब देखो, मान लो P से S तक आप गए हो, तो P पे पोटेंशियल कितना है और S पे पोटेंशियल कितना है, आइए देखते हैं। P पे पोटेंशियल है के क्यू बाय R1 और S पे पोटेंशियल है के क्यू बाय R2, है कि नहीं? तो अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? आपको पता है R1 इज लेस देन R2, दैट मीन्स 1/R1 इज ग्रेटर देन 1/R2। 1/R1 अगर ग्रेटर देन 1/R2 है तो के क्यू तो सेम ही है ना, दोनों में के क्यू टर्म तो दोनों में सेम है, 1/R1 और 1/R2 का ही फर्क है, इसलिए वी कैन से दैट VP इज ग्रेटर देन VS। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप मूव करोगे तो जो है पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर गया, है कि नहीं? यही हमें समझना था। तो ये रिजल्ट जो है वो जनरली ट्रू है, ये समझ गए तो आगे डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। अब ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप इसको समझो। ये दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं, ए और बी। ए पे मान लो पोटेंशियल है वी, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, एरो के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, बी पे है पोटेंशियल वी प्लस डीवी, ठीक है। डीवी क्या है? डीवी इज द चेंज इन पोटेंशियल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई। तो कोई मुझे बता सकता है अभी हमने जो रिजल्ट प्रूव किया था उसके हिसाब से डीवी पॉजिटिव होगा कि डीवी नेगेटिव होगा? दोस्तों हमने प्रूव किया था कि ई के डायरेक्शन में पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज करता है, यानी डिक्रीज करेगा तो डीवी जो होगा नेगेटिव होगा, ये आप याद रखना, ठीक है। अब दो पॉइंट्स मानो, ए पे एम बी पे पी। तो ये पीएम जो है ना, लाइन सेगमेंट, ये परपेंडिकुलर टू ए है एट पॉइंट एम, ठीक है। इसका मान लो लेंथ है डीएल, तो आप देख रहे हो कि ये ई के पैरेलल होगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हम पोटेंशियल कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू डेल्टा वी, है कि नहीं? अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा दोस्तों? एफ एक्सटर्नल डॉट डीएल इज इक्वल टू डेल्टा वी, है कि नहीं? अब एफ एक्सटर्नल कितना होता है हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। आपको ये नहीं समझ आ रहा तो मैं पहले ये लिख देता हूं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ इलेक्ट्रिक, और एफ इलेक्ट्रिक को कितना लिखते हैं?
क्यू इंटू ई है कि नहीं, और उसके आगे लग गया एक माइनस साइन। अगर आपको ये इक्वेशन अभी भी समझ नहीं आ रही है तो आप पहला वीडियो देख लीजिए, उसमें ये एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। ये एक्चुअली हम वर्क अगेंस्ट अ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहे हैं। तो अब यही कि माइनस क्यू ई का फॉर्मूला यहां डाल देंगे, माइनस क्यू ई डॉट डी एल इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। डेल्टा वी क्या होता है? फाइनल वी माइनस इनिशियल वी, और एम से बी लेके गए हैं तो फाइनल वी होगा बी, इनिशियल वी होगा ए, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, क्यू तो वन ही है ना, तो इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। बचेगा क्या? माइनस ई डॉट डी एल इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, और इन दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इन दोनों टर्म्स की जगह, माइनस ई डॉट डी एल इज इक्वल टू वी प्लस डी वी माइनस वी, है कि नहीं। वी बी की जगह रख दिया वी प्लस डी वी, वी ए की जगह रख दिया वी। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डी वी। अब ये देखो ई डॉट डी एल है, लेकिन ई और डी एल तो एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो कॉस थीटा तो वन होगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो यानी ये लिख सकते हैं आगे, ये माइनस को हम दूसरी साइड ले गए इक्वेशन के, है कि नहीं। तो ये आपका रिजल्ट है दोस्तों, और आपको ये पता है कि डीवी जो है वो लेस देन जीरो है, तो हम ये भी लिख सकते हैं इसको। है कि नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द डिस्प्लेसमेंट, तो आपका ये फाइनल रिजल्ट है। इस रिजल्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? दो कंक्लूजन निकलते हैं इससे, मैं ये मिटा रहा हूं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें उस डायरेक्शन में मिलेगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो सबसे ज्यादा तेजी से घट रहा है, ठीक है। आप ये देखो, ये कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज था, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किस डायरेक्शन में मिलता है? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, है कि नहीं। अब आप ये देखोगे ना कि इस डायरेक्शन में क्यों नहीं मिलता हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इसलिए है क्योंकि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, अगर आप पॉइंट क्यू पॉइंट पी से, मान लीजिए ये पॉइंट पी है, पॉइंट एस में जाओगे ना, तो पोटेंशियल डिक्रीज की कोई वैल्यू आएगी, मान लो वी वन, ठीक है, और उतना ही डिस्टेंस जितना पी और एस के बीच में डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस अगर इस डायरेक्शन में जाओगे आप, मान लो पी आर तक गए, तो इसकी एक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी वी टू। ऑब्वियसली पोटेंशियल वी वन इज लेस देन जीरो और पोटेंशियल वी टू इज लेस देन जीरो, बट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी वन इज ग्रेटर देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी टू। इतना कॉम्प्लिकेटेड मत समझो, ये समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होता है जहां पे सबसे ज्यादा तेजी से पोटेंशियल गिरता है, ठीक है। और दूसरा कंक्लूजन हम इससे ये निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का नेगेटिव डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल का मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल, ये नॉर्म डिस्प्लेसमेंट तो आपको समझ आ गया होगा, नॉर्मल क्यों? क्योंकि हमने ये लिया था ना कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। ये इस ए इक्विपोटेंशियल सरफेस के पीएम जो था वो परपेंडिकुलर था, इसलिए नॉर्मल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल का मैग्नीट्यूड।
तो दिस इज इट.